अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने कंचनबाग पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लाल संदर रूट की तस्करी करने वाले 4 अफराद को कर लिया है गिरफ्तार और इनके कब्जे से 500 किलो लाल संदल उड जब्त कर लिया। इसकी मालियत 75 लाख बताई जा रही है। एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम की तरफ से एक अच्छा रेड सैंडल का जो स्मगलिंग है, लकड़ी का स्मगलिंग डिटेक्शन हुआ है। इसमें साउथ जोन टीम के साथ कंचनबाग पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की मदद से कुल मिलाकर एक 500 किलो के आसपास रेड सैंडल जो वुड है उसकी रिकवरी हुई है। इसमें 4 आदमियों का अरेस्ट भी हुआ है और इसके अलावा एक और आदमी जो है, माय नेम रविचंद्रा, एक्सपॉन्डिंग है, उसकी भी तलाश अभी जारी है। इस मामले में कंचनबाग पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 253/2022 वेरियस सेक्शन ऑफ IPC अंडर 447, 427, 379, 120, B109 और तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शंस, उसके अलावा PDPP एक्ट के सेक्शंस और रेड सैंडलवुड ट्रांजिट रूल 1969 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर कंचनबाग पुलिस स्टेशन में केस भी बुक किया गया है। इसमें जो 5 लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें से एक शेख अब्दुल्ला जो मेन ऑफेंडर है, जिसने ये काम स्टार्ट किया था, इनका जो नेटिव प्रोदुटूर कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट है, इनके अलावा मुजाहिदीन और इनायत, उसमें मुजाहिदीन प्रोदुटूर कड़प्पा से और इनायत खान जो है कलवाकुर्ती नागर कन्नूर और अब्दुल खादिर कलवाकुर्ती नागर कन्नूर से, इनको हिरासत में लिया गया है। इसमें मेन जो है इसका ओरिजिन है ये कड़प्पा से होता है इस केस का। तो ये लोग मेनली शेख अब्दुल्ला जो कि कड़प्पा के नेटिव हैं, वहां से रविचंद्रा से मिलके, रविचंद्रा के बारे में फिलहाल जो जानकारी है, इज एन ओल्ड रेड सैंडल स्मगलर है और उनसे लिंक करके रविचंद्रा से ये खरीदा गया। खरीद के इसमें अलग अलग इसमें ऑफेंडर्स का रोल, मुजाहिदीन जो है ट्रांसपोर्टेशन और उसको रखने का, पुलिस से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से छुपा के रखने का काम करें, उसके बाद इनायत खान और अब्दुल खादर उसको बेचने के लिए यहाँ ला के कुछ सैंपल ला के बेचने की कोशिश करें। तो डिटेल इंटरोगेशन अभी चल रहा है, 4 लोग हमारी हिरासत में हैं और एक जो है अभी रिस्पॉन्डिंग है। तो मेनली जैसा हम जानते हैं, रेड सैंडल्स काफ़ी टाइम से ये फॉरेस्ट से, भगमल्ला फॉरेस्ट से, कड़प्पा एरिया से पिछले कई सालों से आता रहा है। तो एक अच्छी एक मतलब रिकवरी है और एक अच्छा काम किया गया टास्क फोर्स ने। इसमें DCP मिस्टर चक्रवर्ती के साथ में इंस्पेक्टर राघवेंद्र, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र, श्री शैलम, शेख बुरहान, नरसिम्लू और पूरा स्टाफ है, उन्होंने कड़ी मेहनत से मशक्कत के साथ पकड़ के इन्फॉर्मेशन बिल्ड करके रिकवरी करी है और इस सिलसिले में फर्दर और भी इन्फॉर्मेशन बिल्डअप करके आगे रिकवरी भी करी जाएगी। थैंक यू। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।